आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी विनिर्माण को प्रसारित करने के लिए कोविड-19 के पश्चात बनारस रेल इंजन कारखाना की तरफ से औपचारिक बैठक की गई, जिसके संबंध में प्रेस वार्ता में बताया गया कि लोकोमोटिव निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 66 ऐसे उत्पादों के फीचर का प्रदर्शन जिनके 3 से भी कम स्वदेशी स्रोत है तथा 127 ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन जिनके 5 से भी कम स्वदेशी स्रोत है, उत्पाद आवश्यकताओं की बेहतर समझते हुए गुणवत्ता युक्त सदस्य निर्माण क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। संभावित एवं रुचि लेने वाले उद्यमियों के व्यवसाय को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण फॉर्म को साइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस पर संशोधित MSME वर्गीकरण पंजीकरण सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का पोर्टल उद्योग आधार नंबर जारी करता है। मेक इन इंडिया नीति एवं स्थायी आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की प्राथमिकताओं से संबंधित सूचना दी गई है। बनारस रेल इंजन कारखाना के जनरल मैनेजर ने बताया कि भारतीय रेलवे नेटवर्क की गति बढ़ा रहा है। 2020-21 में 275 रेल इंजन की तुलना में 2021-22 में 355 मालवाहक और 25 यात्री वाहक इंजन बनाया जाएगा। इसमें स्वदेशी उद्योग से सामग्री की खरीद बढ़ेगी तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी। वहीं अंजलि गोयल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अंतर्गत बढ़ेगा स्वदेशी निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हमने इस विक्रेता बैठक का आयोजन स्वदेशी निर्माताओं के बीच अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए किया है, जिन्हें हम इस समय आयात कर रहे हैं और जिसके लिए सीमित सदस्य आपूर्ति करता है। आने वाले समय में रेल इंजन के निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष काम किया जाएगा। आज का जो वेंडर मीट है, ये कोविड के बाद का पहला इंटरैक्टिव मीट है, जहाँ पे लोग खुद आके हर एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। हमने प्रयास करा था एक वर्चुअल गैलरी बनाने का, जहाँ पे ये जो आप प्रोडक्ट्स आज देख रहे हैं उस सबको इंटरनेट पे डाल दिया था और कई लोगों ने देखा भी था और क्वेश्चन भी पूछे थे। मगर अब हमें लगा था कि अब समय आ गया है कि अब हम एक फिजिकल मीट कर लें, इसलिए पूरे कोविड प्रोटोकॉल को रखते हुए भी हमने कोशिश की है कि लोगों को थोड़ा और रूबरू होने का मौका मिलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, और कोई समझाने वाला भी मिलेगा कि प्रोडक्ट की खासियत क्या है। तो सारे काउंटर्स पे हमारे लोग तैनात हैं, जो कि उनको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, किस किस्म के लोग उसको बना पाएंगे, जैसे फैब्रिकेशन का स्किल होना चाहिए या किस किस्म के जिग्स एंड फिक्सचर्स उसको चाहिए, किस किस्म का स्किल सेट चाहिए, ताकि वो और इनकरेजमेंट पा सकें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और यहाँ पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है जहाँ पे 3 या कम से कम सप्लायर्स हैं या 5 या कम से कम सप्लायर्स हैं। तो 200 से अधिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है, और साथ साथ में हमें लगा कि एक ऐसा मौका है जहाँ पे कई उद्देश्य पूरे करे जा सकते हैं। एक उद्देश्य था कि वर्किंग कैपिटल के बारे में, उसमें SBI अपना लेटर ऑफ क्रेडिट स्कीम भी समझाएगी और बाकी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो समझाएंगे। MSME सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव आए हों, वो समझाएंगे कि लघु उद्योग को क्या क्या रियायत मिलती है प्रोडक्शन में। तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन अगर कोई करना चाहे प्रोडक्ट के लिए, वो भी यहाँ काउंटर खोल दिया गया ताकि उसको फॉर्म ए मिल जाए। जो चीज़ को नॉर्मली 1 हफ्ता लगता है वो तुरंत अब प्राप्त कर सकते हैं, और लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए मोबाइल नंबर दिया है, तो जो भी इनकी क्वेरी है उसको ऑनलाइन हम लोग जवाब दे देंगे, ड्राइंग भी भेज देंगे उनको, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। उससे उनकी जानकारी बढ़ेगी और उनको सहूलियत मिलेगी ज्ञान प्राप्त करने में। थोड़ा सा हम तवज्जो ये भी देंगे कि क्वालिटी के बारे में लोग समझें, और हम वो मेरा उद्देश्य था कि लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग प्लीज़ क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज जो प्रधानमंत्री का विजन है कि ब्रांड इंडिया होना चाहिए, उसमें क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। हम ये ना समझे कि क्वालिटी को प्राप्त करने में खर्चा ज़्यादा लग रहा है, वो एक स्पिरिट होती है, एक अंदरूनी शक्ति होती है। ऐसा है कि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि क्वालिटी जो अभी चाहिए नहीं मिल रही है, बट कुछ हद तक जो प्रोडक्ट्स अभी भी हम लोग इम्पोर्ट करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जो स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। अगर दिखाई है तो फिर भी अभी तक उस लेवल तक पहुँचे नहीं है कि हम लोग 100% रिप्लेस कर रहे हैं। फिर भी हमने हर एक प्रोडक्ट में डेवलपमेंट वेंडर का प्रोग्राम शुरू किया है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो, और हम उनके साथ हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं। ये कदम आत्मनिर्भर भारत और जॉब क्रिएशन में कितना है माना जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमें मालूम है कि हम अगले साल 380 लोकोमोटिव बनाएंगे, तो उसी से ही हमारा जॉब क्रिएशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बढ़ने जा रहा है। और ये कदम से क्या होगा कि कुछ इंडस्ट्री नई बन सकती है, उसमें जॉब क्रिएशन होगी,
कुछ इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई कर लेंगे, उसमें भी जॉब क्रिएशन होगी। और हम तो है ही आत्मनिर्भर भारत के लिए, हम पूरे के पूरे स्वदेशी हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ब्रांड को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली स्किल से जो है एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनके लिए क्या आप कोचिंग? ये जो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं उनको हमने यही संदेश दिया है कि हमारी जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं, जो हम लोग अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत ट्रेनिंग है, कोशिश करें कि उन लोगों को लें ताकि उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। तो हम ये संदेश इस माध्यम से देना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।